हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भिंडी मसाला बनाएंगे। भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी को दो भाग में काट लेंगे। हमने यह छोटी भिंडी ली है, इसलिए हमने इसे दो भाग में काटा है। आप लंबी भिंडी को तीन भाग में भी काट सकते हैं। सारी भिंडी कट चुकी है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, दो बड़े चम्मच बेसन और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी को मिला लेंगे। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं हल्का ही डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और इसमें करीब 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें भिंडी डालकर फ्राई कर लेंगे। हल्का रेड होने पर ही निकाल लेंगे। ये फ्राई हो गया है, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब भिंडी मसाला बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और 1 कटा हुआ प्याज डालकर सभी को मिला लेंगे। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच कटा हुआ अदरक डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसे ढक देंगे और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। टमाटर पक चुके हैं, अब इसमें दही डालेंगे। हमने दही को पहले ही फेंट लिया है।
अभी इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद ही नमक डालेंगे। इसमें उबाल आ चुका है, अब इसमें नमक डालेंगे। हम भिंडी में ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, इसलिए इसमें थोड़ा कम ही नमक डालेंगे। अब सारी भिंडी इसमें डाल देंगे और सभी को मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट हो चुकी है, अब इसे खोलकर देख लेते हैं। हम इसे हल्का गाढ़ा ही रखेंगे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। भिंडी मसाला बन गई है, अब गैस बंद कर देंगे। भिंडी मसाला बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे रोटी, नान या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।